क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग दोस्त हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो एनर्जी सेव साइज को बराबर करने के लिए ऑर्बिटल का मिक्स करना, ऑर्बिटल को मिक्स करना उसी क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लीजिए ए सब सेल को ऑर्बिटल, ये क्या पी सब सेल को ऑर्बिटल है। तो ए सब सेल का शेप का शेप क्या हो गया स्फेरिकल, पी सब सेल का शेप हो गया डंबल। अब दोनों को क्या किए, दोनों ऑर्बिटल को कंबाइन की मिक्स कर दी, तो देख रहे एक छोटा लोब बन जा रहा है, एक बड़ा लोब बन जा रहा है। एक को पॉजिटिव सेंस दिखा रहा है, एक नेगेटिव सेंस है, इसको क्या बोलते हैं लार्जर लोब, और ये हमारा क्या है स्मॉल लोब। तो ये होगी हाइब्रिडाइजेशन को इंडिकेट करने का सिंबल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या एक तरह का फेनोमेनन है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया जाता है ताकि उत्पन्न हो सके नया ऑर्बिटल, ताकि हमारा एनर्जी क्या बराबर, और बॉन्डिंग बनाने के उद्देश्य के लिए उसे क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नया ऑर्बिटल को प्राप्त करने के लिए अगर मिक्स किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन की मान्यताएं, हाइब्रिडाइजेशन एक तरह क्या काल्पनिक कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एनर्जी को बराबर करने के लिए ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं मिक्स, एटॉमिक ऑर्बिटल का संख्या बराबर हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितना मिक्स करेगा उसके संख्या के बराबर होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का आकार, तो ए सबसेल का शेप क्या होता है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल बना दिए। पी सबसेल का ऑर्बिटल का शेप क्या होता है डंबल, तो डंबल बना दिए। जब दोनों को मिक्स किया गया, दोनों को क्या किया गया मिक्स मतलब मिलाया गया है, तो हम लोग को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि एक स्मॉलर लोब है या दूसरा क्या हमारा बिगर लोब है। एक को पॉजिटिव साइंस दिखाया गया, एक को नेगेटिव साइंस। तो जो हमारा बड़ा लोब है वो बॉन्ड बनाने के उसी से हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, और जो स्मॉलर लोब है उससे हम लोग बॉन्ड बनाने में उसका कोई यूज नहीं होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मजबूत बॉन्ड है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तुलना में। ये जो ए सबसेल पी सबसेल ऑर्बिटल्स ये हमारा क्या है प्योर ऑर्बिटल्स। इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये जो हमारा बना वो हमारा क्या हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि देखिए ये हमारा पी सबसेल का ऑर्बिटल है, एक लोब छोटा एक लोब क्या है बड़ा है। पी सबसेल का ऑर्बिटल एक लोब बड़ा है और दूसरा लोब छोटा है, एक लोब हमारा बड़ा है और दूसरा लोब क्या है छोटा है। देखिए ओवरलैपिंग जोन क्या हमारे पास एक जोन है जो ओवरलैप कर रहा है, तो जब टू ओवरलैप जोन होता है दो ठो जोन, जब टू ओवरलैप जोन होता है तब हम लोग क्या होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग जोन कितना है एक, इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निर्भर करता है हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार पर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करने जा रहे हैं मिलाने जा रहे हैं, ये हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार, और ये हो गया ज्योमेट्री। तो ए सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल होता है, और डी सबसेल में कितना पांच ऑर्बिटल होता है, एक दो तीन चार और पाँच ऑर्बिटल। तो वो खास हम खास जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। जब
एक ए सबसेल कोर बैटल और एक पी सबसेल कोर बैटल, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया एस पी, और जियोमेट्री हमारा क्या हो गया लीनियर। एग्जाम्पल देखिए लीनियर का, बेरिलियम डाइक्लोराइड, सेंट्रल आइटम क्या हमारा बेरिलियम और टर्मिनल आइटम क्या क्लोरीन। तो सेंट्रल आइटम हो गया हमारा बेरिलियम, टर्मिनल आइटम है हमारा क्लोरीन। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री, और इसका जियोमेट्री क्या हो गया लीनियर। अगर एक एस सबसेल कोर बैटल होगा, दो पी सबसेल कोर बैटल होगा, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2 और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम लोग AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो सेंट्रल आइटम हमारा हो गया एल्यूमिनियम और टर्मिनल आइटम हमारा क्या हो गया क्लोरीन, एक क्लोरीन दो क्लोरीन, और ये हो गया हमारा तीसरा क्लोरीन। एक एस सबसेल कोर बैटल हो, तीन पी सबसेल कोर बैटल हो, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी एस पी थ्री और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल होगी हमारा मीथेन मॉलिक्यूल। तो कम आइटम को क्या बोलते हैं सेंट्रल आइटम, सेंट्रल आइटम हमारा कार्बन हो गया, सेंट्रल आइटम हमारा क्या हो गया कार्बन, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हो गया ज़्यादा आइटम रख रहा है, तो हो गया हमारा टर्मिनल आइटम। अब इसका ज्योमेट्री देखते हैं, सेंट्रल आइटम कार्बन है, टर्मिनल आइटम हमारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन और ये चार हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है हमेशा, तो एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, ये भी एक बॉन्ड बना लिया, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल। अगर एक ए सबसेल कोर बैटल है, तीन पी सबसेल कोर बैटल है, एक डी सबसेल कोर बैटल है, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3 d और ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एग्जाम्पल के रूप में हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस के पास कम आइटम है, तो फॉस्फोरस हमारा हो गया सेंट्रल आइटम, और क्लोरीन के पास ज़्यादा आइटम है, तो क्लोरीन हो गया हमारा टर्मिनल आइटम। सेंट्रल आइटम हमारा फॉस्फोरस है, टर्मिनल आइटम कौन है क्लोरीन, तो एक क्लोरीन दो क्लोरीन तीन क्लोरीन चार क्लोरीन और ये क्या हो गया पाँच क्लोरीन। हम जानते हैं क्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। ए सबसेल को एक और बैटल है और तीन ठो पी सबसेल को बैटल है और दो ठो क्या है डी सबसेल को और बैटल है, तो हाइब्रिडेशन हो गया एस पी थ्री डी टू और ज्योमेट्री क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो एग्जाम्पल हो गया हम लोग का एस एफ सिक्स सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर के पास एक आइटम है, तो सल्फर हो गया हमारा सेंट्रल आइटम और फ्लोरीन के पास छः आइटम है, फ्लोरीन हो गया हमारा टर्मिनल आइटम। सेंट्रल आइटम हो गया सल्फर और छः फ्लोरीन बनाना, तो एक फ्लोरीन दो फ्लोरीन तीन फ्लोरीन चार फ्लोरीन पाँच फ्लोरीन और ये क्या हो गया छः फ्लोरीन, इसका ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। अगर एक ए सबसेल कोर बैटल होगा, तीन पी सबसेल कोर बैटल होगा, तीन डी सबसेल कोर बैटल रहेगा, तो हाइब्रिडेशन हो गया एस पी थ्री डी थ्री और ज्योमेट्री हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसका एग्जांपल हो गया आई एफ सेवन। तो सेंट्रल आइटम हमारा आयोडीन हो गया और टर्मिनल आइटम हमारा क्या हो गया फ्लोरीन। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो सेंट्रल आइटम हो गया हमारा आयोडीन और फ्लोरीन हो गया सात गो, एक फ्लोरीन आइटम दो फ्लोरीन आइटम तीन फ्लोरीन आइटम चार फ्लोरीन आइटम पांच फ्लोरीन आइटम छः फ्लोरीन आइटम और एक क्या हो गया सात फ्लोरीन आइटम। तो इसका शेप हो गया ज्योमेट्री हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल।